आपको याद होगा कि 2006 में सोनिया जी ने एक राजनीतिक संघर्ष का सामना किया। उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था और 2006 में रायबरेली से दोबारा चुनाव किया गया था। उस संघर्ष में आप सब ने उनका पूरी तरह से समर्थन किया, शायद उस चुनाव में 4-6 लाख से वो चुनाव जीती। आपके उस संघर्ष में समर्थन देने से उनकी ये भावना हमेशा रही है कि जब जब आप संघर्ष का सामना करते हैं तो वे आपके साथ खड़ा रहने चाहती है। 2006 के एकदम बाद 2007 में जब इस फैक्ट्री की घोषणा की गई और उस समय की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जमीन देने से साफ इनकार किया, तब यहाँ के किसान भाई बहनों के साथ, यहाँ की जनता, आप सब के साथ सोनिया जी ने इस फैक्ट्री को बनाने के लिए संघर्ष किया। ये संघर्ष सोनिया जी ने क्यों किया? उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए, रोजगार बढ़वाने के लिए किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया। और जब जब, जैसे आपने कहा कि हर 2-2 महीने वो आती थी और देखती थी कि फैक्ट्री का निर्माण कितना हो रहा है, कि बनी है कि नहीं बनी है। और मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे याद है कि जब ये फैक्ट्रियाँ बनी तो उनको कितनी खुशी हुई थी। ये खुशी अपने लिए नहीं थी कि उनका कुछ राजनीतिक फायदा होने वाला था, ये खुशी आपके लिए थी कि जिले में, क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे, कि सिर्फ फैक्ट्री के रोजगार नहीं लेकिन आसपास के तमाम रोजगार जो बन सकते थे इस फैक्ट्री के होने से वो भी बनेंगे। आप सब जानते हैं कि आज 2000 लोगों से ज्यादा इस फैक्ट्री में काम करते हैं इस इलाके के, और उसके अलावा आसपास के जो रोजगार हैं जो इस फैक्ट्री के जरिए बनते हैं वो हजारों की तादाद में है। जिन किसानों की जमीन इस फैक्ट्री को बनवाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, सबके परिवारों को एक एक रेलवे में नौकरी मिली। आपने कहा कि संसद में गलत आंकड़े दिखाए गए कि हर परिवार को मार्केट रेट से ज्यादा मुआवजा मिला था उस समय, कि जिस जिस की जमीन गई थी उसको मुआवजा मिला था। आज ये फैक्ट्री मुनाफे में चलती है, अपनी क्षमता से 2 गुना ज्यादा इसका उत्पादन है, लेकिन केंद्र की सरकार क्या करना चाहती है? बेदर्दी से इसका निगमीकरण करना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस फैक्ट्री के निगमीकरण के बाद अगली चीज क्या होगी? ये फैक्ट्री सरकार के उद्योगपति मित्रों को दी जाएगी और इसका निजीकरण किया जाएगा। इसके पीछे, इसके निगमीकरण के पीछे सिर्फ यही आधार है और यही सोच है। आज आप सबको जानकारी होगी कि देश की अर्थव्यवस्था का की क्या हालत है। तमाम अखबारों में पढ़ने को मिलता है, शायद मेरे मीडिया के भाई बहन इतना कहते नहीं हैं, आप हंस रहे थे पहले, लेकिन मैंने इश्तिहार देखे हैं, इतने बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं अखबारों में, मिल एसोसिएशन के, चाय बगान के संगठनों के, कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। इश्तिहार देने पड़ रहे हैं उन्हें कि अर्थव्यवस्था इतनी दुर्बल हो रही है, रोजगार छूटे जा रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार को ये बात सूझी है कि जहां रोजगार है वहां पे भी बंद कराया जाए, वहां उसका निगमीकरण किया जाए और उसके बाद उसका निजीकरण किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका क्या इरादा है। ये संस्थाएं रेलवे,
स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो PSU थे, ये किस लिए बनाए गए थे? ये इसलिए बनाए गए थे ताकि ये देश मजबूत बने, इस देश की एकता को बढ़ाने के लिए, इस देश का विकास कराने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। अगर एक एक करके इस तरह से उनको तोड़ा जाएगा तो आगे देश का भविष्य क्या हो सकता है? भारतीय रेलवे देश की बुनियादी संस्थाओं में से सिर्फ करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं देती, ये देश की एकता भी कायम रखती है। असलियत ये है कि भाजपा एक नया कंपनी राज लाना चाहती है, एक ऐसा कंपनी राज जिसके जरिए देश के कारखाने, PSU, देश की संपदा, देश का धन कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के ही हाथों में सौंपा जाएगा और इसकी शुरुआत यहाँ भी हो रही है। आप यहाँ बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपके मन में ये आशंका है कि 31 तारीख को इसका निगमीकरण किया जाएगा, इसके बाद इसका निजीकरण किया जाएगा, आपके रोजगार छूटेंगे। इसी तरह से देश भर में ऐसे ही तमाम उद्योग है जहां यही स्थिति है, यही फैक्ट्रियां पंजाब में हैं, कपूरथला के हमारे भाई आए हैं, तमिलनाडु में हैं, बंगाल में हैं, और ये सरकार यहां से शुरुआत करने जा रही है और उनकी योजना ये है कि एक एक करके सबका निगमीकरण और सबका निजीकरण किया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ आपका संघर्ष नहीं है, ये हम सबका संघर्ष है। ये सरकार इस देश को तोड़ना चाहती है। ऊपर ऊपर से सब अच्छा लगता है कि बहुत बड़े बड़े ठोस काम हो रहे हैं, अंदर से सच्चाई ये है कि देश दुर्बल हो रहा है, देश की एकता कमजोर हो रही है और देश की संस्थाएं कमजोर हो रही है, और इसके लिए हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ, ये राजनीति से ऊपर है, ये राजनीति से बहुत बड़ी बात है, ये देश का सवाल है। राजनीति में लिपटे हुए ये सरकार, इस सरकार के नेता है, नहीं तो आप बताइए कि राय बरेली से क्यों शुरू कर रहे हैं, जब यहाँ पे मुनाफा दो गुना है, जब ये यूनिट सबसे बढ़िया चल रहा है, जब यहाँ पे रोजगार है, जब यहाँ पे 1000 कोच जहाँ बनने चाहिए वहाँ पे 2000 के या 1400 कितने के हैं, 2200 बना रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत क्यों हो रही है? यहाँ से शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि इनके लिए राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कम महत्वपूर्ण है, देश की जनता, देश की जरूरतें कम महत्वपूर्ण है। देश को तोड़ना बहुत आसान है इनके लिए क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीति को देख रहे हैं। जब इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया आपकी फैक्ट्री के लिए, क्या आपके यूनियन से, आप लोगों से सलाह मशवरा किया? बिल्कुल नहीं किया। इतना बड़ा निर्णय लिया, यहाँ के जो 2000 कर्मचारी हैं, उनसे पूछा कि आपके लिए ये निर्णय कैसा होगा? नहीं पूछा। अगर ये फैक्ट्री घाटे में जा रही होती फिर भी समझ सकते थे कि सरकार उसको बचाने के लिए एक निर्णय ले रही है, लेकिन जो निर्णय ये लेने जा रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ राजनीतिक आधार है, और यही आधार है कि आस्ते आस्ते आप जैसी फैक्ट्रियां, सब जो देश की जो संस्थाएं हैं, आस्ते आस्ते उनका निजीकरण किया जाएगा और उद्योगपति मित्रों के हाथों में उनको सौंपा जाएगा। तो आज मैं आपके बीच इसलिए आई हूँ क्योंकि ये सोनिया जी ने संघर्ष शुरू किया था, ये आपका संघर्ष है, रायबरेली की बहन भाइयों का संघर्ष है, इंदिरा जी की कर्मभूमि का संघर्ष है और मेरा संघर्ष है। मैं कहने आई हूँ, तालियों में कमी नहीं, आपने कहा कि एक बार आना काफी नहीं है, मैं ये कहने आई हूँ कि जब जब बुलाएंगे मैं आऊंगी, जब जब बुलाएंगे, जब आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज के साथ मेरी आवाज उठेगी। सोनिया जी ने आपकी आवाज संसद
आपकी आवाज उठाऊंगी। आपके संघर्ष में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाऊंगी। आप संघर्ष जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, रायबरेली का पूरा क्षेत्र आपके साथ है। वहाँ के तमाम जनता आपके साथ है, तो आप घबराइए नहीं, संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं और हम इसको होने नहीं देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।